आज हम आपको ले चलते हैं सुबेदार जगदीश सिंह चौहान साहब के पास, जो कि TNS एग्रो मशरूम फार्म बहादुरगढ़ हापुड़ के ओनर हैं। आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने TNS एग्रो मशरूम फार्म में केसर की क्यारियां लगाई हुई हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है केसर की तैयारी की थी और किस तरीके से उन्होंने केसर जो है ये तैयार किया है। नमस्कार, मैं सुबेदार जगदीश सिंह चौहान, ऑनर TNS एग्रो मशरूम फार्म में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं ओस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम की खेती करता हूँ, उसके साथ साथ मेरे गुलाब भी हैं। ये देखिए गुलाब हैं और अंजीर हैं, इधर भी देखिए अंजीर है और इधर भी अंजीर लगी हुई हैं। साथ ही साथ मेरे मन में विचार आया कि कुछ और भी अपने मशरूम फार्म में किया जाए, तो मैंने केसर के बारे में जानकारी ली, इसका बीज मंगवाया और ये हमने अक्टूबर के महीने में इसको हमने गूल बनाकर और छोटी छोटी दो क्यारियाँ, एक ये है और एक देखिए उधर है, ये हमने जो है बनाई है और इनमें बीज हमने बो दिए थे। देखिए केसर की क्यारी में ये केसर के पौधे अब काफ़ी बड़े होने लगे हैं और इनके अंदर से जगह जगह से शंख से फूटने लगे हैं, यानी कि अलग अलग कपोलें निकलनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए इनके ऊपर जो है इस तरीके से, जैसे ये गेंठी बनी हुई है, ऐसे गेंठी आएंगी और ये फूल का रूप लेंगी और ये खिल जाएंगी और इनके अंदर से जो है केसर निकलेगा। ये बड़े अच्छी तरीके से देखिए ये केसर के पेड़ तैयार हो गए हैं, ये देखिए, और ये 15-20 दिन के अंदर इनमें गेंठी बननी शुरू हो जाएंगी, ये देखिए। साथ ही साथ मैं आपको दूसरी जगह भी दिखाता हूँ, ये देखिए इनमें भी जो है ये कपोलें दूसरी निकलने लगी हैं और शंख से निकलने लगे हैं। ये जो है इस तरीके से पूरे अलग अलग टाइप में हो जाएंगे और ये अच्छा केसर के पौधे बनेंगे और इनसे केसर निकलेंगे। उसके बाद में मौसम भी काफ़ी ख़राब रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है मार्च महीने तक इसमें ये केसर जो है, जब ये पूरा लाल हो जाएगा इस तरीके से जैसे ये हो रहा है, हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे, जैसे ये है लाल, इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से इसको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। इसको तोड़ने के बाद ये लाल लाल हो रहे हैं, इन्हीं को हमने तोड़ना है, क्योंकि इनका जो रस है, अर्क है, वो हमेशा इसके अंदर विद्यमान रहना चाहिए। उसके बाद जो ये केसर है इसको हम छाया में सुखाएंगे। इसकी लेबोरेटरी जांच भी हुई है तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में जो केसर के गुण पाए गए हैं और ये केसर विश्व का तीसरे नंबर पर आता है। ये कश्मीरी केसर नहीं है, इसको अमेरिकन केसर कहते हैं, लेकिन काफ़ी गुणवत्ता से भरपूर है और अच्छे इसके अंदर जो हैं केसर के पोषक तत्व हैं। तो इसको हम इस तरीके से तोड़कर, जैसे कि हमने इसके यहाँ से केसर तोड़ लिया ये, और ये गेंठी बच चुकी है, इसमें जब तक ये पक नहीं जाएगी, सफ़ेद नहीं हो जाएगी, सूख नहीं जाएगी, जब तक हम इस पेड़ को नहीं उखाड़ेंगे, इसके अंदर बीज होते हैं और बीज जो है पकने के बाद में हम इसको अगले साल के लिए केसर की खेती कर सकते हैं। ये मेरे असिस्टेंट हैं और मेरा लड़का है, इसका नाम है मनीष सिंह चौहान, तो मैं इनसे बताऊंगा कि देखिए उसको तोड़िए आप, उस फूल को, इस वाले को, हाँ उस वाले को तोड़िए, ये टूटने लायक हो चुका है। इसको नाखून से दबाकर
और जो पहली उंगली है उस पर प्रेशर डालकर इसको हम तोड़ लेते हैं, जिससे कि इसके बीज ना डैमेज हो। इस तरीके से जो है ये तोड़ लेते हैं। इसको हम छाया में सुखा लेते हैं। केसर को सुखाने के लिए हमें, देखिए ये हमारे पास में 5 साख का जो है प्लास्टिक का, ये एक तरह से इसको रबिंग करने वाला होता है, ये आपको बाजार में मिल जाएगा। इससे आप केसर को जो है आराम से बिना हाथ से टच किए हुए और इसको छाया में इस तरीके से आप इसको सुखा सकते हैं। इस तरीके से इसको फैलाएं और इसको जो है समय समय पर जो है थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर दें, जिससे कि ये बहुत जल्दी आसानी से ये सूख जाए। और इसको अपनी निगरानी में सुखाना होता है, बहुत हल्का होता है, कोई हवा का झोंका नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमने समय समय पर इसको हम इस तरीके से हम इसको बिल्कुल फैला लेते हैं हल्का हल्का, और हाथ से टच भी नहीं होगा और बहुत अच्छा जो है हमारा केसर ये तैयार हो जाएगा। बस मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि जिनके पास ज़मीन थोड़ी कम है वो अपने हाथों में या अपने प्लॉट में ये केसर की क्यारी लगाकर और एक अच्छी पैदावार कर सकते हैं। छोटी सी जगह में करीबन करीबन अगर 1 kg भी अगर इन्होंने केसर तैयार कर लिया तो उसके 65,000 आपको 4-5 महीने में मिल जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सैनिक मशरूम खेती अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो कृपया लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को एक बार जरूर दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।